टू माई YouTube चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर आज मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखूंगा जो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेट करती हैं बट मोस्टली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही होगा ना क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यहां पर भी हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करके कुछ अच्छी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे पहली एग्जाम्पल आपके सामने है कहता है कि पार्टिकल ऑफ मास इज ए फिक्स्ड स्मूथ स्वेर ऑफ रेडियस आर एशन तो थर्टी डिग्री पे पार्टिकल रखा गया है वर्टिकल के साथ तो क्वेश्चन क्या पूछता है व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फेयर ऑन द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द रिलीज है ना तो किसके कारण बाय द स्फेयर स्फेयर पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है स्फेयर जो फोर्स पार्टिकल के ऊपर लगाता है उसको हम प्यार से यहाँ पर क्या लिखते हैं नॉर्मल फोर्स लिखते हैं इसका मतलब हमें नॉर्मल का कैलकुलेशन करना है जस्ट आफ्टर द रिलीज मतलब कि पार्टिकल अभी सर्कुलर मोशन में नहीं घूम रहा है पार्टिकल अभी यहाँ पर अभी सर्कुलर मोशन में चलना शुरू नहीं हुआ है बस जैसे ही उसको रिलीज़ किया गया उसी इंस्टेंट पर आपको ये नॉर्मल का कैलकुलेशन बताना है कि ये नॉर्मल कितना होगा ठीक है अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करें यहाँ पर तो आप देखोगे जो एम होता है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ठीक तो अलोंग द रेडियस यहाँ पर एम जी कॉस ऑफ थर्टी डिग्री लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा एम जी कॉस ऑफ थर्टी डिग्री ऐसे ठीक है तो यहां से आप रिक्वायर्ड आंसर को देख सकते हैं व्हाट इज द फोर्स एग्जेड हमें एन का कैलकुलेशन करना है तो स्टिल जस्ट आफ्टर द रिलीज द पार्टिकल इज नॉट इन सर्कुलर मोशन सो नो सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल सो जस्ट आफ्टर द रिलीज सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग सो अगर सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो हम हमारे पास एक न्यूटन साइकिल लॉ से सिंपल सा इक्वेशन आ जाएगा कि जो नॉर्मल होगा विच इज मस्ट बी इक्वल्स टू एम जी कॉस्ट ऑफ थर्टी डिग्री हम इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आ जाता है रूट थ्री बाई टू एम जी सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट एक और इसका बी पार्ट है बी पार्ट थोड़ा सा और अच्छा है बी पार्ट आपसे पूछता है कि फर्दर ये कितना नीचे जाएगा कितना लेंथ इसने कवर किया देखो इनिशियली तो यहीं पर था कहता है कि फर्दर ये मान लो कि यहाँ पर आके ये सफेर से अलग होता है ए से चला बी तक बी पर आके ये सफेर से अलग होता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव्स कॉन्टैक्ट विद द स्फेयर तो बी पे आके अगर ये कांटेक्ट नहीं रखता फिर से अलग हो जाता है तो आपको डिस्टेंस बताना है इसने कितना ट्रैवल किया है है ना ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है ये आर्क लेंथ बताना है आपको ये कितना इसने ट्रैवल किया है तो मान लेते हैं कि इसने कुछ थीटा कवर किया है और ऑलरेडी पहले कितना था थर्टी डिग्री था तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और अब इसके पास यहाँ पर स्पीड भी है ये भी आपको ध्यान रखनी है ना इसके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पीड भी है तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे और न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है चलिए तो सबसे न्यूटन सेकेंड लॉ की अगर इक्वेशन देखें तो हमारे पास देखो ऐसा सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में इस तरह से है एम जो होगा वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है एम तो ऐसे एक्ट करेगा है ना वर्टिकल के साथ थीटा बना रहा है तो ये भी एंगल थीटा होगा तो इधर तो लगेगा एम जी कॉस ऑफ थीटा इधर और अपोजिट डायरेक्शन में लग गया नॉर्मल ये है वी तो क्या लिखा जाएगा ना पहले तो यही लिखा जाना चाहिए कि एम जी कॉस ऑफ थीटा माइनस एन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिखा जाना चाहिए बट फिर हमारे सामने क्या बात आती है कि बी पॉइंट पे है ना ये मैंने बी पॉइंट की एफ बनाई है बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि वो छोड़ देगा एट बी एट बी नॉर्मल का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे ज़ीरो पुट करेंगे क्योंकि कांटेक्ट नहीं रहेगा बी पे तो फिर हमारे पास क्या लिखा जाएगा एम जी कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर ऐसे लिखा जाएगा ठीक है एक तो हमारे पास यहाँ से एम से एम कैंसिल हो जाएगा सो जी आर कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे ये तो अगर न्यूटन सेकंड लॉ से ठीक है सेंट्रीपिटल फोर्स वाला इक्वेशन लगा के अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे ए और बी पॉइंट के पास ए पॉइंट पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है लेकिन है ना अगर मैं ए पॉइंट की बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल्स टू जीरो लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है ए पॉइंट पे वो कितनी है है ना वो इतनी हाइट पर है ये इसको मैं अगर वाई ए लिखता हूं ना ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आर कॉस थर्टी तो ये लिखा जाएगा एम जी आर कॉस ऑफ थर्टी डिग्री जो वाई ए था वो हो जाएगा आर कॉस ऑफ थर्टी डिग्री इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके पास बी पॉइंट पे आकर बी पॉइंट पर आकर इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे लिखी जाएगी वन बाई टू एम वी स्क्वर और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे कितनी लिखी जाएगी एम जी अब ये वाला हाइट लिखा जाएगा है ना तो ये वाई बी ये वाई बी कितना होगा ये हो आर थीटा ऑफ हो जो वेरिएबल है तो हम अब ए और बी के बीच एनर्जी को कंजर्व कर देंगे चलिए ए और बी के बीच एनर्जी जैसे हम कंजर्व करेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी अब ए पे तो काइनेटिक एनर्जी है ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी थी एम जी आर कॉस ऑफ थर्टी डिग्री और बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है एम ये और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है एम जी आर ऑफ थीटा ना यहाँ से एम वाली टर्म कैंसिल हो सकती है यह टर्म कैंसिल हो गई चलिए अब वी स्क्वायर जो है इक्वेशन फर्स्ट से कितना आता है जी आर कॉस थीटा है ना वी स्क्वायर की वैल्यू है जी आर कॉस थीटा यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यह आ गया जी आर कॉस ऑफ थर्टी डिग्री कॉस्ट ऑफ थर्टी डिग्री की वैल्यू पुट कर देते हैं रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू इक्वल्स टू वन बाई टू यह आ जाएगा जी आर कॉस ऑफ थीटा प्लस जी आर कॉस ऑफ थीटा ऐसे आ गया अब देखो जी आर वाली टर्म्स कैंसिल हो रही हैं है ना जी आर वाली टर्म्स कैंसिल हो रही हैं ऐसे कैंसिल हो गई तो ये आ जाएगा रूट थ्री बाई टू इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा बाई टू प्लस कॉस ऑफ थीटा रूट थ्री बाई टू इक्वल्स टू ये आ जाएगा थ्री बाई टू कॉस ऑफ थीटा ये टू से टू कैंसिल हो गया रूट थ्री अपॉन थ्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा सो कॉस थीटा कितना आ गया कॉस थीटा का वैल्यू आ गया वन बाय रूट थ्री तो थीटा का वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस एम्प्लाइज थीटा कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स वन बाय रूट थ्री है ना ये हो गया थीटा का वैल्यू अब हमारी जो रिक्वायर्ड सिचुएशन थी हमसे पूछा गया क्या गया था हमसे तो आर्क लेंथ पूछी गई थी ना है ना देखो ये सिचुएशन थी हमारे पास ये सिचुएशन थी हमारे पास तो हमसे क्या पूछा गया था आर्क लेंथ पूछी गई थी है ना इस तरह से अगर मैं लिखता हूँ कि पहले पार्टिकल यहाँ फिर यहाँ तो ये तो हो गया थर्टी डिग्री और ये इसने पूरा कवर किया है थीटा ये हो गया थीटा ए से बी पर आया है तो हमें ये एल का कैलकुलेशन करना है है ना तो एल का कैलकुलेशन क्या होगा मैं अगर कहूँ अगर मैं कहता हूँ ये हो गया एल वन और ये हो गया एल टू एल वन से एल टू माइनस करेंगे तो एल वन माइनस एल टू करेंगे तो हमें क्या आएगा एल मिलेगा ठीक एल वन कितना होगा एल वन होगा आर थीटा आर मल्टीप्लाई बाई थीटा और एल टू कितना होगा एल टू होगा आर मल्टीप्लाई थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री कितना होता है थर्टी डिग्री होता है पाई बाई सिक्स रेडियन की टर्म में ठीक तो एल कितना हो जाएगा आर कॉमन आ गया तो थीटा माइनस पाई बाई सिक्स इतना आ गया सो so, हम आर थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस इनवर्स वन बाय रूट थ्री माइनस पाई बाय सिक्स दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट दिस होप कि आपको ये सवाल क्लियर हुआ अच्छा सवाल था इसलिए मैंने इसको आपके सामने रखा है एक और क्वेश्चन देखते हैं स्फेर से ही रिलेटेड हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है जो एग्जांपल सेकंड है वो क्या है कि कहता है कि हमारे पास एक सेमी स्फेयर है इस तरह से और ये स्मूथ है उसका रेडियस आपको गिवन है आर इसके ऊपर एक हमारे पास एक बॉक्स कह सकते हो या ब्लॉक कह सकते हो वो रखा गया है और उसको इनिशियली स्पीड प्रोवाइड किया गया नीटा जी आर इतना स्पीड प्रोवाइड किया गया तो ये कुछ थीटा एंगल पे जब आता है थीटा एंगल कवर करने के बाद ये ब्लॉक क्या है स्मूथ सरफेस स्फेयर से कॉन्टैक्ट छोड़ देता है तो आपसे ये एंगल ही पूछा गया है कि फाइंड द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग द पार्टिकल विद द वर्टिकल एट द इंस्टेंट द पार्टिकल लूज इज विद द स्फेयर तो मैं यहां पर यह स्टेटमेंट लिख देता हूं क्या है फाइंड द एंगल थीटा वेन द पार्टिकल लूज इज loses contact with the sphere, with the sphere, ठीक है तो यह हमें इसको भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे हमारे पास लेट से ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है तो ए पे काइनेटिक एनर्जी भी है पोटेंशियल एनर्जी भी है और सॉरी और इसको मैं मान रहा हूँ रेफरेंस लेवल रेफरेंस लेवल ठीक तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी ए पे वो कितनी लिखेंगे वन बाई टू एम वी स्क्वायर वी का वैल्यू आपको गिवन है वन बाई टू एम वी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा नीटा जी आर इतना और पोटेंशियल इनर्जी ए पे अगर मैं लिखूँ तो एम जी आर लिखी जाएगी ठीक है अब बी पॉइंट पे आते हैं बी पॉइंट की अगर मैं एफ वी डी बनाता हूँ तो इधर कुछ स्पीड जारी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कॉनेक्ट करेगा एम तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा तो इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा एम जी ऑफ थीटा और नॉर्मल एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में लेकिन बी पॉइंट पे क्या हो रहा है कि वो कांटेक्ट लूज कर रहा है इसका मतलब बी पॉइंट पे हम एन को क्या करेंगे पुट एन इक्वल्स टू जीरो बी पॉइंट पे एन को जीरो पुट करेंगे क्योंकि कॉन्टैक्ट लूज हो रहा है कॉन्टैक्ट में अब नहीं है ब्लॉक स्फीयर के साथ सो so, जब मैं बी पॉइंट पे इक्वेशन लिखता हूं बी पॉइंट पे अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो लिखा जाएगा फिर सिंपली एम जी कॉस ऑफ थीटा माइनस एन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर पुट एन इक्वल्स टू जीरो तो ये आ जाएगा mg cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू mv2 अपॉन r m से m कैंसिल हो गया ये आ गया gr cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू v2 ये क्वेश्चन हमारे काम आने वाला है ठीक है ओके अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों लिख सकते हैं हम यहाँ पर एनर्जीज इक्वेट करते हैं ए और बी के बीच तो हो गया काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कितना हो गया ये हो गया एम बाई टू नीटा जी आर पोटेंशियल एनर्जी है एम जी आर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी वन बाई टू एम वी वी आपको ये इक्वेशन टू से मिल रहा है तो ये हो जाएगा जी आर कॉस ऑफ थीटा और पोटेंशियल एनर्जी होगा एम जी uh, ये वाला हाइट होगा ना सॉरी एम जी आर कॉस थीटा एम जी आर कॉस ऑफ थीटा ऐसे तो देखो जो जो टर्म्स कैंसिल होती हैं एम जी आर 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 सारी जगह कैंसिल हो रहे हैं सब जगह एम जी आर कैंसिल हो रहे हैं तो यहाँ से बचेगा नीटा बाय टू प्लस वन इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा बाय टू प्लस कॉस ऑफ थीटा सो नीटा बाई टू प्लस वन इक्वल्स टू थ्री बाई टू कॉस ऑफ थीटा सो अबर यह आ जाएगा नीटा प्लस टू बाई टू इक्वल्स टू थ्री बाई टू कॉस ऑफ थीटा टू से टू कैंसिल हो जाएगा सो इट्स कम्स आउट टू बी नीटा प्लस टू बाई थ्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा सो थीटा को लिख सकते हैं हम थीटा कम्स आउट टू बी कॉस इनवर्स थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स नीटा प्लस टू बाय थ्री सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ऐसे दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ये थीटा होगा ठीक है आई होप कि आपको दोनों एग्जांपल्स क्लियर होंगे होंगे मिलते हैं नए लेक्चर में विश यू ऑल द बेस्ट बाय बाय